इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां वीआईपी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी के घर में घुसकर उनकी हत्या हुई। घर के अंदर शव मिला है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी ने भी की है, जगुनाथ रेड्डी ने। तो पुलिस ने हत्या की पुष्टि की है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं। हाल फिलहाल उनके तमाम वीडियोस भी आपने देखे होंगे लोकसभा चुनाव में। चलिए, रोहित सिंह फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, ये बड़ी खबर है बिहार से, क्या पुलिस कह रही है? क्योंकि मुकेश सहनी राजनीति में एक अपना कद तो रखते हैं और उनके पिता की हत्या होना तमाम सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, जिस तरीके की घटना घटी है ये बहुत बड़ी वारदात है बिहार में। बिहार में पिछले दिनों कानून और व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ा है। और ऐसे में जब मुकेश सहनी, जो कि बिहार के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी ये पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके वो अध्यक्ष है और साथ ही साथ पूर्व मंत्री भी वो जो है वो रह चुके हैं, और ऐसे में उनके पिता जीतन सहनी की जो हत्या हो गई है दरभंगा में, वो कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरभंगा में स्थित जो आवास है इनका सुपौल बाजार में, वहां पर उनके घर में जो है ये लाश मिली है थोड़ी देर पहले मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की, और बहुत कह सकते हैं निर्मम तरीके से जो है वो उनकी हत्या की है, की गई है। कोई धारदार हथियार का लगता है इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो जो शव की हालत है वो बिल्कुल छत विछत हालत में जो है वो शव पाया गया है, और एक तरीके से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। और पुलिस को भी इस पूरी घटना की जानकारी मिली है, दरभंगा के एसएसपी ने इस पूरे घटना की पुष्टि भी की है और मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है और खुद एसपी और जो है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं और पूरे मामले की जो है जांच जो है वो शुरू की गई है। हालांकि अभी भी जो है लाश वहीं पे उनके घर पर ही रखा हुआ है, और अब थोड़ी देर में जब जांच शुरू हो गई है तो फिर फोरेंसिक की टीम को बुलाया जाएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो है वो बॉडी को ले जाया जाएगा। लेकिन अपने आप में ये सनसनीखेज। और रोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इन्फॉर्मेशन आपसे हम लेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, ये जो खबर अभी मिली है ये अत्यंत ही दुखद और बहुत ही हम लोग को आश्चर्य चकित है। और ये जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर हो रहा है, अब तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या, अब इस तरह से बिहार में अपराध हो रहा है लगातार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उठा रहे थे सवाल, सरकार कह रहे थे, लेकिन आज ये जो दुखद खबर, हृदय विदारक खबर ली है, इससे बहुत ही हम लोग मर्माहत हैं। और हम समझते हैं इस घटना की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई है हमें, हम बाहर हैं, लेकिन आपके समाचार चैनलों के माध्यम से ये खबर आई है। ये सरकार किस तरह से डबल इंजन में, एक इंजन अपराध और एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर बढ़ा हुआ है। तो आपकी सरकार को जंगल राज कहकर घेरा जाता था, लेकिन अभी तो सवालों के घेरे में है सरकार। यही कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए ये कौन सा राज है। लगातार कल भी पटना में दो लोगों के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये इस तरह से हत्या का दौर बिहार में चल रहा है, ये तो भगवान भरोसे सारे लोग यहाँ है। सरकार का इकबाल ही समाप्त हो गया, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है, ये क्या हो रहा है आखिर? और अभी अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है मृत्युंजय जी, और गठबंधन में थे मुकेश सहनी, और तमाम वीडियोस भी वायरल हो रहे थे, हेलीकॉप्टर से लेकर हर जगह अच्छी खासी सक्रिय राजनीति कर रहे थे मुकेश सहनी। अगर उनके पिता की हत्या होती है, यानी नेता और उनके अगर परिवार भी सुरक्षित नहीं है, फिर तो सवाल उठ रहा है। यही हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ इस तरह से मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या, ये क्या बता रहा है आखिर बिहार में हो क्या रहा है? इससे तो पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का मनोबल क्या हो रहे हैं? सनी जी से बात हुई आपकी? तो हम तिवारी जी थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। मृत्युंजय जी, ये हम
हम देवघर बाबा धाम मंदिर आए हैं। अच्छा, अभी बात नहीं हो पाई है, अभी उनसे बात करते हैं। अभी आपके माध्यम से, समाचार माध्यम से ही पता चला है, खबर मिली है, बहुत दुखद समाचार है और ये बहुत ही मर्माहत करने वाला है कि आखिर लोग अब जाए तो जहाँ जाए कहाँ। बिहार में तो अब रहना आम लोगों को मुश्किल हो गया, तो हर रोज हत्याओं का दौर है। और मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किन कारणों से हुई। दूध का दूध पानी का पानी हो, और कौन दोषी है कौन, इसके लिए जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। हम मुकेश सहनी जी के साथ, पूरी हमारी पार्टी, हम लोग सब खड़े हैं उनको इस दुख की घड़ी में। हम जो हत्या हुई है उनके पिता की, ये हत्या जनता देख रही है, इस सरकार को इस तरह से। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रवक्ता आरजेडी मृत्युंजय तिवारी फोन लाइन पर और देवघर गए हुए हैं, वहां से जानकारी दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं।